कोरोना संकट के दौरान गरीब व जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए उत्तरी भारत की सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी की टेंपल ट्रस्ट सामने आई है। गरीब लोग भूखे न सोएं, उन्हें भी राशन मिले, इसको लेकर मंदिर श्री नैना देवी ने पहल की है। मंदिर न्यास की तरफ से गरीब लोगों को अब श्रद्धालुओं के द्वारा दिया गया अनाज बांटा जाएगा। मंदिर प्रशासन की तरफ से शुरू किया गया यह एक सराहनीय प्रयास है। मंदिर न्यास नैना देवी के लंगर भवन में सामान की गठरियां भरी जा रही हैं। हर एक गठरी में 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल और 1 बिस्किट का पैकेट डालकर पैकिंग की गई। अभी राशन जरूरतमंदों, असहाय और गरीबों में बांटा जाएगा। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन है, जिसके चलते बाहरी राज्यों के लोगों जो लोग मजदूरी और ठेकेदार के यहाँ दिहाड़ी लगाकर अपना परिवार का पेट पाल रहे हैं, अन्य लोगों सहित लोगों को एक खाना बांटा जाएगा। मंदिर न्यास अध्यक्ष SDM स्वारघाट सुभाष गौतम ने बताया कि मंदिर न्यास का हमेशा ही गरीबों के उत्थान के लिए अहम योगदान रहा है। अब इस विपदा की घड़ी में भी जिन लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उन लोगों के लिए मंदिर न्यास के द्वारा हमेशा द्वार खुले रहेंगे और उन्हें न्यास की तरफ से राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। नेशनल 18 के लिए स्वारघाट से दीनानाथ ठाकुर की रिपोर्ट। को जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज में रहेंगे या कोई माइग्रेंट लेबर हैं जिनको कर्फ्यू की वजह से खाने पीने की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, तो उनके लिए व्यवस्था की जा रही है टेंपल ट्रस्ट के माध्यम से भी और एडमिनिस्ट्रेशन के भी माध्यम से कि श्री नैना देवी जी टेंपल ट्रस्ट की तरफ से उनको अनकुक्ड फूड के पैकेट्स और जहाँ ज़रूरत है कि उनको कुक्ड फूड दिया जाए तो उनको वो कुक्ड फूड भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस बारे में अलग अलग स्तर पे जो है अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है जो इन चीज़ों की देखरेख करेंगे ताकि कोई भी जो कोरोना की वजह से कोई भी माइग्रेंट लेबर है, कोई गरीब आदमी है या कोई लोग जो क्वारंटाइन है, उन लोगों को किसी की तरह भी परेशानी ना आए।